वितरण का मतलब है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। यहां कुछ युक्तियां, युक्ति यानी कि कुछ उपकरण है, कुछ मशीन है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगी। तो यहां अपन पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है विद्युत मोटर या पंखा। अब अपन सभी मोटर को भलीभांति जानते हैं, अपने टेप रिकॉर्डर, सीडी या डीवीडी ड्राइवर या फिर वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ये सभी उपकरण इनमें मोटर अपन देखते हैं। तो विद्युत मोटर में पहले अपन धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि विद्युत धारा उसमें देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें अपन देते हैं और वो घूमनी शुरू हो जाती है मोटर। तो घूमने से अपन यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। तो विद्युत मोटर या पंखा जो है वो किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब यह है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करती है। दूसरा उपकरण है डायनमो या जनित्र, जिसे अपन जनरेटर भी कहते हैं। जनरेटर को शुरू करने के लिए पहले अपन उसे घुमाते हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल से उसको घुमाया जाता है। हाथ से घुमाने के बाद में पेट्रोल और डीजल से वो घूमता रहता है और ये घूमने को अपन एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा है और यांत्रिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, बिजली बननी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत घंटी या स्पीकर। ये दोनों ही उपकरण एक ही प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। विद्युत घंटी में अपन पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसी प्रकार से स्पीकर को भी अपन विद्युत उपकरण से जोड़ते हैं जिससे ध्वनि बननी शुरू हो जाती है, यानी कि यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत घंटी और स्पीकर। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि माइक, माइक जिसमें अपन बोलते हैं उसमें पहले ध्वनि ऊर्जा उसमें दी जाती है और उससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अपने घरों में बल्ब और ट्यूबलाइट सभी घरों में यूज करते हैं, तो ये दोनों ही विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। इनमें विद्युत धारा पहले प्रवाहित होती है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये दोनों कौन, बल्ब और ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बनाते हैं। छठा पॉइंट है प्रकाश विद्युत सेल या सोलर सेल। सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से बनाया गया, काम में लिया जाने वाला सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी से विद्युत धारा बनाता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है। सातवां पॉइंट है विद्युत हीटर या फिर इस्त्री, टोस्टर या ओवन। ये सभी उपकरण एक ही प्रकार से काम करते हैं। इनमें पहले विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है और उससे ऊष्मा या ताप बनता है। हीटर भी गर्म करने के काम आता है, इस्त्री भी गर्म करने के काम, टोस्टर और ओवन से भी ताप ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। सेल या बैटरी अपन घरों में, टॉर्च में, घड़ी में, इन सब में देखते हैं सेल को। तो सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरा होता है और रासायनिक पदार्थ यानी कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो रसायन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उसी प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट भी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इंजन, इंजन अपन बात करें तो ये रेल का इंजन की बात यहां हो रही है।
तो ये उसमें ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि इसको कोयले से या भाप से उसको उष्मा दी जाती है और उससे यह घूमना शुरू हो जाता है, इसका इंजन चलना शुरू हो जाता है और ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हुआ यहाँ पर उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। अगला है ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है तो जिस समय वो ऊंचाई पर स्थिर है तो उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा है, परंतु जो ही अपन छोड़ेंगे उसको नीचे गिराएंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी कि ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में पहले स्थितिज ऊर्जा होती है और उससे वो गतिज ऊर्जा शुरू हो जाती है, ये इसका रूपांतरण है।